हम इस वक्त खड़े हैं सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटे गांव सुचेतगढ़ में, जहां पर रात भर से गोलाबारी हो रही है और लोग जो है वो मजबूर हैं अपने घरों को छोड़कर और बंकरों में इस वक्त उन्होंने शरण ली है। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे ठीक एक बंकर है, यहाँ ये झाड़ियों में एक बंकर बनाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इससे लोग जो है यहाँ पे इन्होंने आकर शरण ली हुई है। मैं आपको यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये लोग जो हैं रात भर हुई गोलाबारी के कारण यहाँ पर आकर शरण लेने को मजबूर हैं। और इसमें देख सकते हैं आप छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको जिन्होंने रात भर से कुछ ना खाया है ना पिया है और इनमें रोष है कि प्रशासन की तरफ से इनके पास अब तक कोई भी इनकी सुध लेने नहीं आया है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे इस वक्त उनकी क्या स्थिति है और इस वक्त उनमें क्या उनके दिमाग में चल रहा है। माता जी, ये कब से फायरिंग हो रही है? ये दो बजे फिर अंदर बड़े रहे, दो बजे ने गोले लगे पिंड कुल्ले की अग लग गई, और ना कोई साल लड़ जा ना के जो भी बेचारे आखन भाई नहीं निकलो बाहर भाई चलो जाना जो है तो है। वो चलो जेड़े नुकसान होना कुल्ली का सड़ी गए सब के सड़ी गया उनका बेचारे का कख निकलिया, तो वह फिर उत्थों का अग मठी हुई थोड़ी जी तो फैर मठा होया तो उतों निकले तो हणिया के इतना मोर्चे जी डेरे का आए। मोर्चे में आप कब से रात भर से यहीं पे? हाँ रात ही 2 बजे आए तो वो बड़े महा चलो कुछ उठने को चाह पानी जन्ने बनाने वो जाना गए सब निकल ही दे न्याणे पानी की बोतल पड़ी। तो रात से आप यहाँ कुछ खाया पिया है आपने? कख नहीं खाता, कसम कर आज कख नहीं खाता हमारा। कोई प्रशासन की तरफ से आपके पास आया कोई? चलो जेडे पिछे बसते रखते ने उगे को फड़काई जाते कोई चलो पानी घुट जा कुछ बिस्कुटा का एक एक पैकेट दे जाते तो चलो उस कुछ गुजारा अपने बच्चे का कुछ मान नहीं बेही जाते। सरकार की तरफ से आपके पास कोई आया? सरकार आ गई थे ये बॉर्डर आने कौन पूछता सरकार जेडी पूछते है वो पिछले लोग जेडे बड़े बड़े टेढ़े आए वो सरकार होती है गरीबे की सरकार है नहीं है तो आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग महिला है इस गांव की सुचेतगढ़ गांव की, इनके चेहरे पे आप साफ देख सकते हैं कि भारी रोष है। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से इनके पास अभी तक कोई भी सुध नहीं पहुंचा है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करें, जानेंगे उनके मन में क्या चल रहा है इस भारी गोलाबारी के चलते। आप बताए आपका क्या नाम है? अच्छा, ये फायरिंग जो हुई है कब से हो रही है? ये जो आप लोग कब यहाँ पर आए हैं? ये बच्चे मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे ले आए रात 2 बजे निकले थे घर ग्रां अग लगी रात 2 बजे निकले आए हैं वहां पूजे थे कोई चाह नहीं कोई पानी नहीं कोई कुछ नहीं बैठे पानी को फोन कोई अधिकारी कोई कोई नहीं आया नहीं डीसी आया नहीं तहसीलदार आया नहीं कोई एमएल आया थे कोई कुछ नहीं आया थे। आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? होना चाहिए डीसी को ये बोलना पड़े जगह दी आया कुल्ले भाई निके निके बच्चे ने पिछले ग्रां अग लगी थी उत्थे कुल्ली सड़ गई लोगों ने माल बच्छा नस्स ली गया कोई हुन पता नहीं लगा पिछे वाला गया तो के नहीं हुआ ना क्या कोई किसी को लगी है कोई ऐसी जानकारी है? जानकारी गए नहीं हम गांव में जाए फेरी बहुत आ रही है इधर से लगी है नहीं है पर बाकी सब अच्छा कर रहे हैं।